past that you never be lonely. Be the fam, that's what they call me. हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं खड़ा हूँ बाबतपुर एयरपोर्ट रोड पर। और अभी हम लोग जा रहे हैं बनारस का जो सारनाथ प्लेस है, जो काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर गौतम बुद्ध जी उनके रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, आपको मैं पूरा वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करूँगा। तो अभी फ़िलहाल हमें काफ़ी लेट हो रहा है और काफ़ी ठंडी भी है, तो हम लोग डायरेक्ट सारनाथ लोकेशन पर ही मिलते हैं आपको। चलो गाइस, फाइनली दोपहर के बज रहे हैं 12 और हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं यहाँ पे सारनाथ। और हम लोग ने अभी टिकट भी निकाल चुका है, तो आप लोगों को मैं टिकट भी दिखा देता हूँ। गाइस, आप लोग देख सकते हो ये टिकट घर है, और आप यहाँ पे आओगे ना तो पहले टिकट ले लेना, क्योंकि एक टिकट 25 रुपीज़ का है और म्यूज़ियम का अलग चार्जेस है कुछ 5 या 10 रुपीज़। ये देखो, ये टिकट है, ये म्यूज़ियम का टिकट 25 रुपीज़ का है। और पार्क में जाने के अंदर का जो है वहाँ पर कुछ एक्सकेवेटर मॉन्यूमेंट्स है वो सब देखने मिलता है, तो आप लोग को टोटल 30 से 40 रुपीज़ लग जाएगा टिकट का पर पर्सन। तो आप लोग आना तो प्लीज़ विजिट करके जाना। देख सकते हो ये म्यूज़ियम का मेन गेट है, और आप लोग को उधर दिखता रहेगा वो मेन गेट है, और इस मेन गेट अभी तो फ़िलहाल बंद है, बट आगे एक और गेट है, उस गेट के आगे से आपको एंट्री मिल सकता है। तो अभी डायरेक्टली अंदर म्यूज़ियम में हम लोग जाकर आ गए, बट मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड से। ओके, गाइस देख सकते हो अभी हम लोग गार्डन के अंदर घुस चुके हैं। ये गार्डन का एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे आपको ये सब देखने मिलेगा। इंग्लिश, हिंदी और चाइनीज़ और कन्नड़, ऐसे 4 लैंग्वेजेस में इन्फॉर्मेशन दिया गया है पूरा, और आप लोग देख सकते हो ये स्टार्टिंग में राइट हैंड साइड पर ही है। देख सकते हो ये अशोक स्तंभ का पूरा इन्फॉर्मेशन है, और यही है अशोक स्तंभ। गाइस देख सकते हो ये पहले के जमाने में एक कैसा पत्थर था। गाइस आप लोग देख सकते हो कैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया रहेगा उस टाइम पर, कितनी मेहनत लगी रहेगी।
गाइस फाइनली अभी मैं खड़ा हूँ धमे स्तूप, आप लोग देख सकते हो ये पूरा ईंटों से बना हुआ है। आपको मैं इसका बैक व्यू भी दिखाऊंगा और दूर से भी दिखाता हूँ कैसा दिखता है। आप लोग मैं बता दो, आप लोग कभी आना तो प्लीज़ ये बहुत ही अच्छा जगह है, घूम लेना आप लोग सारनाथ पूरा। और ये लगभग 40 मीटर की ऊंचाई पर है और ये ऊपर जाकर जहाँ पे ईंट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे 8 कॉर्नर्स बने हुए हैं जो 8 दिशाओं में दिखता है डायरेक्ट। फिलहाल अभी हम लोग ये पूरा जितना भी मॉन्यूमेंट्स एक्सक्यूबेटेड था पहले का तो आप लोग को मैंने पूरा दिखा दिया। और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, एक और टेंपल है सारनाथ में जहाँ पर और भी रिमेन्स जो भी एक्सक्यूबेटेड है जितना भी मॉन्यूमेंट्स है आपको मैं सब दिखाता हूँ, ठीक है। गाइज एंट्री करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शूज अपना रखना है और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं अंदर। यहाँ पे आप दिया जला सकते हैं। इसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, हर एक लैंग्वेज में दिया गया है। ये देखो आप लोग इसको घुमा भी सकते हो। चारों साइड गौतम बुद्ध जी भगवान उनका स्टैचू लगा हुआ है। देखो
गाइस आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे बुद्धा जी का बहुत ही बड़ा मूर्ति है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आप लोगों को तो मैं पास से भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। आप लोग देख सकते हो मूर्ति के सामने ये छोटा सा तालाब जैसा बना है और रियल लोटस है। यहीं से एंट्री है, देख सकते हो आप मूर्ति कितना बड़ा है ये बुद्धा जी का, करीब 80 फुट ऊंचा है। फाइनली अभी आप लोग को मैंने स्टैचू भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया सारनाथ में जो जो था। और अभी फाइनली मैं वीडियो एंड करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। और आप लोग को प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और काफ़ी अच्छा प्लेस है सारनाथ, आप लोग एक बार आइएगा। ओके, और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और थैंक यू।